हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर न्यू टॉपिक। आज का जो टॉपिक है वो है व्हाट इज़ एनडीएमए। एनडीएमए क्या होता है? तो एनडीएमए जो है वो है नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। ठीक है, नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी से आपको समझ आ रहा होगा जो डिज़ास्टर मैनेजमेंट जो किए जाते हैं वो किसने ले रखा है? अपना एनडीएमए ने। एनडीएमए की अथॉरिटी जो है वो ये सारी चीज़ें टैकल करती है। ठीक है, अब क्या होता है जब डिज़ास्टर मैनेजमेंट की बारी आती है तो क्या होता है, जब पहले जितनी भी आपदाएँ होती थी उनके बारे में लोगों को अवेयरनेस ही नहीं होती थी, तो किस तरीके से हम खुद को सेफ रख सकते हैं, जो सारा प्रोसीजर है वो कैसे पता चले, तो ये सारी एनडीएमए ने लोगों में जागरूकता फैलाई और बताया कि आप क्या क्या कर सकते हैं। तो जो एनडीएमए जो है वो 30 मई 2005 में स्थापित किया गया, प्रधानमंत्री के द्वारा गठन किया गया इसका। ठीक है, 2005 में लागू हुआ। ठीक है, तो इसमें यही बताया गया कि आपदाओं के लिए निर्देशन बताया गया इसमें कि आप कैसे इन आपदाओं के प्रति खुद को सुरक्षित रख सकते हैं। ठीक है, तो इसका मेन मोटिव यही था कि अगर कोई भी आपदा आती है तो आप कैसे इसमें मतलब खुद को सेफ रख सकें। जैसे कि भूकंप आता है तो आपके लिए जो प्रोसीजर, जो पूरे सेफ्टी प्रिकॉशंस रहते हैं वो अगर आप फॉलो करें, जैसे कि आपको लिफ्ट का यूज़ नहीं करना है, आपको सीढ़ी से ही जाना है, आप कोशिश करें आप ओपन एरिया में खड़े हों, किसी बिल्डिंग में फंस गए हैं तो उसको निकलने के लिए जो भी प्रोसीजर रहता है वो सब। ठीक है, तो इस तरीके से क्या है, ये जागरूकता इनमें फैलाई गई कि आप कैसे सेफ रख सकते हैं। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन योजना ने यही बताया कि भारत सरकार ने मिलके यही तैयारी और योजना बनाई कि जब भी इस तरीके के खतरे आते हैं तो हम कैसे जनता की पूरे इंडिया में मतलब होने वाले जो भी एक्सीडेंट हैं नेशनल लेवल पे, मतलब पूरे भारत में होने वाले जितने भी एक्सीडेंट्स हो रहे हैं उनमें हम कैसे लोगों को सेफ रखें, उन तक कैसे चीज़ें पहुँचाएं, उनकी ज़रूरत का सामान पहुँचाएं, इस समय पे इस डिज़ास्टर के टाइम पे हम कैसे उनकी सेवा कर सकते हैं, तो यही सारी चीज़ें इसमें हुई। जैसे कि आपने देखा होगा जब बाढ़ आती है तो कैसे आर्मी मैंस वगैरह हेलीकॉप्टर की हेल्प से, किसी ना किसी की हेल्प से वो खाना पहुँचाते हैं उन तक, उनकी हेल्प करते हैं इस तरीके से। ठीक है, तो इनका यही था, तो यही था इनको कि आपको कैसे ये अवेयरनेस पहुँचाएँ। ठीक है, तो जैसे कि जितने भी डिज़ास्टर्स रहते हैं, अब कभी हम देखते हैं कि बाढ़ आ जाती है, कभी हम देखते हैं भूकंप आ जाता है, कभी कोई डिज़ास्टर होता है तो कभी कोई डिज़ास्टर होता है, तो आपदा प्रबंधन के ये यही सारे प्रबंधन करने के लिए कैसे हम एक जगह कोई इंसान फंस गया तो उसे निकाल सकें, उनकी सेफ्टी रख सकें, इसी के लिए ये अथॉरिटी बनाई गई। ठीक है, तो ये जो एक्ट जो था वो 2005 में लागू कर दिया गया। इस तरीके से क्या हुआ, फिर जितनी भी निर्देशन रहते हैं, दिशा निर्देशक रहते हैं, ये सारी चीज़ें मतलब अब क्या क्या अपने इस तरीके के एक्सीडेंट्स होते हैं, इस तरीके के डिज़ास्टर जब आते हैं उनमें होने वाली जितनी भी प्रॉब्लम्स होती हैं आप क्या उनमें स्टेप्स ले सकते हैं, ये सारी चीज़ें इनके द्वारा बताई गई और इन्होंने ये सारी आयोजन बनाया कि हमें क्या करना चाहिए इस तरीके के जब डिज़ास्टर्स आते हैं, हम किस तरीके से हेल्प कर सकते हैं दूसरों की। ठीक है, तो इसमें इस अथॉरिटी का यही पूरा मकसद है कि जब भी इस तरीके के कोई भी डिज़ास्टर्स आते हैं तो ये उसको टैकल कर सके। ठीक है, तो एनडीएमए कोई बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है, इसमें यही सब बताया गया कि आपके जो भी आपके आसपास के जो भी डिज़ास्टर्स मैनेजमेंट हैं, आप इस तरीके के कोई भी एक्सीडेंट होता है या मतलब एक्सीडेंट्स का मतलब इसमें ये है कि डिज़ास्टर्स से होने वाले जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं उनके बारे में अगर बताया जाता है तो कैसे आप टैकल करेंगे, है ना। तो आपके यहाँ जब भी ऐसे कोई डिज़ास्टर आप फेस करें तो आप अपने डिज़ास्टर मैनेजमेंट जहाँ भी आप रहते हैं वहाँ सभी जगह होता है, वहाँ पे आप उन्हें कॉल करके इन्फॉर्म कर सकते हैं कि इस तरीके की प्रॉब्लम है और आपको कुछ ना कुछ वहाँ से हेल्प मिलेगी। ठीक है, तो इस तरीके से ये जो एनडीएमए है वो इसी तरीके से लोगों की हेल्प करता है। इसका नाम ही है नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। ठीक है, ये एक्ट इसीलिए बनाया गया है, इसका कोऑर्डिनेशन यही है कि सबको मैक्सिमम लोगों को अवेयरनेस दी जाए और इस तरीके के डिज़ास्टर से वो टैकल कर सकें कि उन्हें क्या करना है क्या नहीं करना है, इन सब के बारे में इंफॉर्मेशन उन्हें रहती रहे। ठीक है, तो ये मैंने आज आपको एनडीएमए के बारे में बताया। तो एनडीएमए बेसिकली डिज़ास्टर मैनेजमेंट से ही जुड़ा हुआ एक टॉपिक है, जिसमें कि देखिए डिज़ास्टर्स दोनों तरीके के डिज़ास्टर्स रहते हैं, तो
इसमें से कोई भी आप डिज़ास्टर फेस कर रहे हैं तो यहाँ से आपको हेल्प मिलती है, ठीक है। इनके द्वारा अवेयरनेस दी जाती है लोगों को, और बाकी सारी हेल्प्स जो भी रहती हैं, जैसे कि कोई नेचुरल डिज़ास्टर हुआ है तो उसमें आपको जो भी हेल्प चाहिए ये लोग यहाँ से आप तक हेल्प पूरी तरीके से पहुँचाते हैं, ठीक है। तो ये मैंने आज आपको NDMA के बारे में बताया। सो थैंक यू।